7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इसराइल पर हमला किया था तो उसके बाद कई खुफिया रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ था कि इस पूरे हमले के पीछे ईरान का हाथ है और इसराइल ने भी कहा था कि वो उस सांप का फन कुचल देंगे जिसने इसराइल पर इतना बड़ा हमला करवाया है। हालांकि इस हमले से पहले मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होने जा रही थी जो ईरान के लिए किसी भी सूरत में अच्छी नहीं थी। वो थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य होने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि ये दोस्ती परवान चढ़ती उसको हमास की नज़र लग गई और सऊदी ने दो टूक कह दिया कि वो मौजूदा हालातों में इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ नहीं मिला सकता। लेकिन तब नेतन्याहू ने कहा था कि वो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे और अब इसी कड़ी में नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल का एक नया नक्शा दिखाया है। इस नक्शे में वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बताया गया है। नक्शे में वेस्ट बैंक को अलग से इंगित किया गया है। इस दौरान नेतन्याहू ने एक नक्शा और पकड़ा था जिसमें कुछ अरब देशों और भारत को चिन्हित किया है। नेतन्याहू ने इन देशों को इसराइल के संभावित दोस्त बताया जबकि ईरान और उसके सहयोगियों को एक श्राप बताया। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि मेरा तेहरान के लिए एक संदेश है, यदि तुम हम पर हमला करोगे तो हम तुम पर हमला करेंगे। ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इसराइल के लंबी दूरी के हथियार नहीं पहुंच सकते और हकीकत में पूरा मिडिल ईस्ट। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने इस दौरान गाजा को लेकर दो टूक कह दिया कि जब तक हमास अपने हथियार नहीं डालता और बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक गाजा में युद्ध चलता रहेगा। युद्ध के बाद अगर हमास गाजा से निकल जाए, अगर हमास गाजा में रहता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि वो फिलिस्तीनी एनक्लेव में एक शांतिप्रिय नागरिक सरकार का समर्थन करते हैं। गाजा को लेकर नेतन्याहू का कहना है, हम गाजा में एक स्थानीय नागरिक प्रशासन का समर्थन करने के लिए स्थानीय और अन्य सहयोगियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध के बाद गाजा में हमास को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और तो और नेतन्याहू ने लेबनान को लेकर भी दो टूक कह दिया है। मैं यहाँ पर यह कहने आया हूँ कि बहुत हुआ, हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे नागरिक अपने घरों को वापस न लौट जाएं। जब तक हिजबुल्ला युद्ध का रास्ता चुनता है, इसराइल के पास कोई विकल्प नहीं है और इसराइल को इस खतरे का दूर करने और हमारे नागरिकों को सुरक्षित रूप से उनके घरों को वापस भेजने का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने यूएन के मंच पर ताल ठोक कर कह दिया है कि हम हिजबुल्ला पर तब तक हमला करते रहेंगे जब तक कि हमारा उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इसराइल ने अब हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है जिससे पूरा लेबनान हिल गया है। हिजबुल्ला को सूझ नहीं रहा कि वो इसराइल से कैसे बदला लें।